हमेशा लाजिम नहीं है कि जब जब जहाँ पे मैं आपको लेके आऊँ वहाँ पे आपको हर फैसिलिटी मिले, हर इंजॉयमेंट मिले। कभी कभार ओपन एयर में वहाँ पे बैठ जाना बेहतर है बेटा। ऐसा नहीं है कि फजूल से पैसे ही ऐसे ही लुटाते जाएं ऐसी चीज़ों पे। घर में सब कुछ खाते हो, पीते हो, खेलते हो, कूदते हो, हर दुनिया का खिलौना आपके पास है। बस इतनी सी बात पे आप मेरे से खफा हो जाते हो कि पापा आप हमें ये नहीं वो नहीं। पापा आप खामोश हो जाओ मूसा, मैं पापा से बात करती हूँ। ऐसा क्यों है पापा, हम जब भी आपको कुछ कहते हैं आप मना कर देते हैं। आप कहते हैं आप बड़े हो गए हो, हमने आपसे कहा हमें झूला लेना है, आपने कहा नहीं अब आप लोग बड़े हो गए हो। हमने आपसे टॉयज की बात की उस पर भी आपने मना कर दिया, ये क्यों है? बेटा बेटा फजूल पैसे जाएंगे, खा लो, इससे बेहतर है। खाने की कभी आप मेरे से बात नहीं करते, ना ये ना आप ना वो चुटकी सी। बेटा खाने की बात करो, खाना आप कुछ मुझसे कहो, मेरे पास जो जो कुछ होगा मैं कोशिश करूंगा आपको उसी में से फैसिलिटेट करने की। खफा तो एक मिनट में हो जाते हो बेटा, बात आप समझते नहीं। ठीक है बाबा, फिर आप हमें पिज्जा या बर्गर ही खिला दें। क्यों आप ही? मुझे नहीं पता। एक तो आप नाराज हो जाते हो, समझ नहीं आती, ले क्या तुम? आपी, पापा इतने खफा खफा से क्यों लग रहे हैं? वो ही हमेशा की तरह पापा से कुछ डिमांड क्या करते हैं, वो खफा ही हो जाते हैं। एक बात है पर रुको, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पापा है ना हमारे मामले में बहुत कंजूस से हैं। क्यों, एग्री करते हो कि नहीं? मैं तो नहीं करती भाई। नहीं भाई मैं तो एग्री करती हूँ, कंजूसी जरूर करते हैं पापा हमारे साथ। तो फिर इस कंजूसी का क्या हल है? कंजूसी का तो हल नहीं मेरे पास, मगर एक मेरे पास पापा के लिए हल है। कौन सा हल आपी? बताओ आपी क्या? क्यों ना आज हम पापा के साथ एक गेम खेलें? टैब पे रोब्लॉक्स पापा खेलेंगे। पापा वो फिर रोब्लॉक्स खेलेंगे, पागल हो गई हो, उससे तो हमें और उल्टा डांट पड़ेगी। ओ सीरियस रहो, मुझे आ गई बहुत गुस्सा है, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। उस प्लान का हमें बताओ जल्दी से। पास आओ थोड़ा सा, पापा हमारे लिए खाना लेने गए हैं और जब वो आएंगे तो हम उनको नहीं मिलेंगे क्योंकि हम भाग जाएंगे, और पापा जब हमें ढूंढेंगे तो हम उनका मजा लेंगे और उनकी बेचैनी को देखेंगे और इंजॉय करेंगे। यही होगी पापा की पनिशमेंट। जागे तुम लोगों को? हाँ बिल्कुल आगी बिल्कुल। चलो अभी ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। नहीं मूसा, आज हम तीनों बहन भाइयों को पता चल जाएगा कि पापा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक तो बच्चों की समझ ही नहीं आती कुछ, इनकी ना मानो तो मैं बुरा, अब इनको क्या बताऊं? मेरे पास पैसे ही बहुत कम है, बर्गर ले लूंगा तो पैसे नहीं दे पाऊंगा। चलो कुछ ना कुछ तो लेता हूँ, जूस ले चलता हूँ, कुछ तो खाना ना मेरे बच्चों ने। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ मेरे बच्चे भूखे रहें, कुछ ना कुछ तो चलो देता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने बच्चों के लिए लाया हूँ जूस, खुश हो जाएंगे देख के। मुझे पता चलेगा कि पापा हमसे कितना प्यार करते हैं। हैं? ये कहाँ गए? ये बच्चे कहाँ गए? मूसा आपी जमजम कहाँ हो? जमजम कहाँ है बच्चे?
मुसा आपी कहां गए ये सब? मुसा आपी कहां चले गए? देखो आपी, पापा हमें किधर किधर ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये तो रख के ढूंढता हूँ, कहां चले गए? मूसा आपी कैसे भाग रहे? कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। आपी वो देखो, पापा ढूंढ रहे दीवानों की तरह। देखा क्या कहा था, वो इधर आ रहे लगता है, दूसरी जगह। मूसा आपी समसम कहाँ गए? यहाँ पे भी नहीं है। देखो कैसे तड़प रहे हैं हमारे बिना। हाँ, वो देखो ढूंढ ही जा रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं। देखो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किधर चले गए? मूसा आपी समसम कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चों को? इतना बड़ा पार्क है ये, कहाँ चले गए मेरे बच्चे? समसम मूसा देखो पापा कैसे हमें ढूंढ रहे हैं। अपनी मनमानी करते थे ना, आज उन्हें एहसास होगा कि हमें प्यार नहीं करते थे ना। देखो कैसे ढूंढ रहे हैं। आप भी कहाँ चले गए हो? आप भी मूसा समसम कहाँ चले गए हो? क्यों तड़पा रहे हो अपने बाप को? मैं आप तीनों से बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चों, कहाँ चले गए हो तुम तीनों? अल्लाह मेरी मदद कर। कितना मजा आ रहा है, देखो कैसे इधर उधर भाग रहे हैं बेचैनी की तरह, कैसे डरे हुए पापा। श्यापी वो इतना बेचैन हो गया, हमें ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। यही तो उनका प्यार है। देखो वो कैसे हमें बेचैनों की तरह ढूंढ रहे हैं। अगर मेरे बच्चे शरारत कर रहे हैं तो भी मेरे सामने ले क्या, और अगर वो कहीं परेशान है, कहीं फंस गए हैं तो मेरे सामने ला। हाँ भी, अगर पापा हमसे प्यार ना करते तो वो हमें कभी ना ढूंढते, वो कभी ना इधर उधर भागते, वो भी हमारे लिए। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। हाँ मूसा सही कह रहे हो आप दोनों, हम गलत थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपी ये हमने क्या कर दिया? देखो उनके अल्फाज सुनो, उनकी तड़प देखो हमारे लिए। आपी हम सही नहीं कर रहे, हम उन्हें और तड़पा रहे हैं। नहीं आपी, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो आपी पापा को बताते हैं, चलो हम परेशान हो रहे होंगे। पापा पापा हम यहाँ हैं। कहाँ गए थे बच्चों? पापा रोए मत, ये हम जान पूछ के शरारत कर रहे थे। हाँ, हम लोग जान पूछ के छुपे थे। आप रोए मत। प्लीज। क्या बात है बच्चा, क्यों ऐसी शरारत करते हो? कहाँ चले गए थे तुम लोग? आपको पता है बूढ़े बाप आपके इस तरह के इम्तिहान नहीं लेते बच्चों। क्या कमी है कि कहाँ चले गए थे, क्यों ऐसा कर रहे थे? और परेशान ना हो, हम आ गए हैं। I'm sorry पापा। Sorry? पापा हमें पता चल गया है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। पापा हमें लगा था कि आप हमसे प्यार नहीं करते, क्योंकि आप हर बात में मना करते थे, इसलिए हमें थोड़ा सा शक हो गया। ऐसी बातें ना करें पापा, हमारा रोना निकल
चलो मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे प्यारे बच्चे हो। ऐसा ऐसा मत सोचा करो कि मैं आप लोगों से प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ। चलो जल्दी से अपनी टेबल पे जाओ, वहां पे मैंने जूस रखा है, मैं मुंह धो के आता हूँ। रो रो के बुरा हाल हो गया मेरा। पापा अब हम रोने लगे। चलो जाओ, ठीक है अब आप लोग ना रोना, नहीं तो फिर मैं भी रोऊंगा। हाँ ठीक है चलो। अरे आपी कब का हम चल रहे हैं, इतना दूर ले आई हो, कुछ खाने पीने का भी इंतजाम कर लो। हाँ आपी जमजम बिल्कुल ठीक कह रही है, कुछ खाने का कर लेते हैं ना। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो तुम दोनों, खाने के लिए तो लेके आई हूँ। चलो उस शॉप से पता करते हैं। ठीक है। अंकल ये हमारे पास 100 है, हमें 3 कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न दे दें। 100 रुपए में ये सब कुछ नहीं आएगा, 500 लेके आओ 500। अच्छा ठीक है। आपी क्या कह रहा है ये? अरे सुना नहीं, वो कह रहा है 100 रुपए में कुछ नहीं आता, 500 रुपए लगेंगे 500। तो आपी आपके पास कितने पैसे हैं? एक तो सुनता नहीं है, 100 रुपए हैं 100 रुपए। आपी अगर आपके पास पैसे ही नहीं थे तो हम इतना दूर क्यों लेकर आई? आपी जमजम बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो काय को इतनी दूर लेके आई हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं, तुम दोनों के लिए आई थी यहाँ पे, मेरे पास पैसे इतने तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपी मैं तो यही कहती हूँ कि आप दोनों कुछ मत खाना, मुझे बस खिला दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ए छोड़ी चुप कर, इतनी आई तो VIP, खाएंगे तो तीनों खाएंगे, नहीं तो कोई नहीं खाएगा। हाँ अब तो बीच में मत बोली। आपी कुछ जुगाड़ लगाओ ना। हाँ आपी। अच्छा चलो ट्राई करती हूँ, मगर ये ना कि इसकी तरह पकड़ी जाऊं। ए आपी क्यों डराने वाली बातें कर रही हो, हम जेल में क्यों जाएं? जेल में जाएं हमारे दुश्मन। हाँ अच्छा चलो ठीक है, डरो मत, मैं कुछ सोचती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मूसा तनवीर, यूट्यूबर का बाप। अरे भाई समझो काम हो गया। आपी कौन सा काम हो गया? अरे वो देखो मेरे साथ वीडियो बनाए, मेरे वीडियो को चैनल को देखे, मूसा तनवीर की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे बहुत सुना इधर। ओके समझ आ गई। हाँ आपी बिल्कुल समझ आ गई। हाँ मुझे भी समझ आ गई। चलो आ जाओ। और हमारे कंप्लीट वीडियोस को देखा करें, और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। चैनल को याद रखें, मूसा तनवीर इन शॉर्ट, ये सारी वीडियोस को देखें और आपको बहुत पसंद आएंगी वीडियोस। और जल्द मूसा तनवीर लाइव आप लोगों के साथ आएगा। चाचा बात सुने। जी बेटा। अरे वो हेलो चाचा, आप वो वीडियो बना रहे हो? हाँ बोलो। अच्छा यूट्यूब की वीडियो बना रहे हो? हाँ हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। फिर तो आपको एक्टिंग भी बहुत अच्छी आती होगी। आप तो बहुत बड़े एक्टर हो गए फिर तो। यानी बड़े ड्रामे बस। अंकल भूतनाथ की एक्टिंग कर सकते हो, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करनी है? एक्टिंग का तो मैं बेताज बादशाह हूँ। हाँ मुझे मूसा तनवीर ने सारी सिखाई है एक्टिंग कैसे करनी है, वो अमिताभ बच्चन की है।
कितने आदमी हैं, सब सब हाँ सब मालूम है। अरे वाह, क्या मस्त एक्टिंग की है यार आपने, तो अमिताभ को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ अगर हम आपको कहें कि आपने एक करेक्टर का रोल करना है तो आप हाँ कहेंगे या ना? एक्टिंग करनी है। हाँ हम आपका ना एक्टिंग टेस्ट लेंगे। हाँ। उसके हम आपको पैसे भी देंगे। हाँ। हाँ, आपने एक जालिम इंसान का करेक्टर करना है। जालिम आदमी की? हाँ तो कर लूंगा। अरे जालिम इंसान क्या, मैं तो हूँ ही जालिम। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि पापा आप बहुत जालिम हैं। बस आपने ये करना है, उसके आपको पैसे मिलेंगे। बोलो हाँ के ना। वीडियो के मामले में बोलो कहाँ चलना है। ठीक है आ जाओ। चलना चलो आया वो मेरा रुमाल रह गया था। हाय कुड़ी। अरे इरफान भाई बिजनेस तो मेरा बहुत फिट जा रहा है। माशाल्लाह फिट तो बहुत अच्छी बात है। नमक हराम हूँ, कहाँ तुम तीनों घूम रहे थे? वो हम आपके पास ही आ रहे थे, हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। सारा दिन भीख मांग के बस 100 रुपए लाए हो? हाँ चाचा, आज हमें किसी ने भी भीख नहीं दी। मुझे भी किसी ने भीख नहीं दी, बल्कि मुझे तो किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। बस ये 100 रुपया? ओए नमक हरामो, तुम तीनों कान खोल के सुन लो। ए चुटकी तू भी सुन ले, अगर 1000 रुपया आज नना भीख मांग के इकट्ठा किया तो खाना नहीं मिलेगा और बाहर सर्दी में सुलाना पाऊ। मैं तुम तीनों का वो हशर करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। ए ए चुटकी तू भी नाटक नहीं करना, मुझको 1000 रुपया चाहिए एक दिन का। ए चाचा रुको, इन बच्चों को क्यों डांट रहे हो? क्या बात है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो हमारे? ये हमारा आपस का मामला है। ओ चाचा सीधा सीधा बोलो ना कि हम आपके लिए भीख मांगते हैं, तो अरे आज सिर्फ 100 रुपए हुए, 1000 नहीं बने, इसलिए आज हमें आप भूखा सुलाओगे। तो क्या हुआ, मैं तुम लोगों को खाना नहीं देता? पाल पोस के कैसे बड़ा कर रहा हूं मैं तुम लोगों को? ऐसे पाल पोस के बड़े हो जाते? बात सुने, आप गलत कर रहे हो। तुम लोगों को अगर इतनी फिक्र है तो तुम लोग दे दो पैसे। अगर दे दें खाना दोगे इनको? मैं इन लोगों को खाना अच्छा सा दे दूंगा। बोलो। हाँ बत्ती गुल हो गई ना, मैं बोला था ना ऐसे खाली पीली बोल रहे। इन बड़े लोगों के बीच में नहीं आओ, जाओ तुम उस सिग्नल पे मांगो, तुम उस सिग्नल पे मांगो, छोड़ दो इनको। हाँ भाई आप दोनों तो इतना अमीर हो, इसके मुंह में फेंक के मारो पैसे, ये तो कभी मुझे जैकेट भी नहीं देता। जैकेट की क्या बात करती हो, तुम मांगने वाली हो, ये लो दे दी जैकेट। आप तुम अच्छे तरीके से मांगना, ये लोग कभी पैसे नहीं देंगे। हम देंगे, इन मासूम बच्चों को छोड़ दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। निकाल 1000 रुपए वरना काम पे जाने दे इनको। ठीक है चाचा हम जाते हैं मांगने। रुको बच्चो, ये लो 1000 रुपया और छोड़ो जान उन बच्चों की। 1000 रुपए? हाँ ठीक है छोड़ दी मेरे जान, चलो जाओ घर जाओ और मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आता हूँ, चलो जाओ यहाँ से। छोड़ दिया, ठीक हो गया, बहुत दयालु है, मैं भी चलता। कैसे जालिम लोग हैं, बच्चों पे कितना जुल्म करते हैं। हाँ यार बात तो आपकी ठीक है, तो कुछ पैसे हमने कम नहीं दिए उन बच्चों को, हो सके तो मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ और तारक भी उनकी मदद करेगा। चलो उनकी मदद करते हैं सब मिलके। हाँ हाँ चलो चलते हैं। ले आ, देखा मेरी एक्टिंग कैसा है एक्टिंग? अरे मैंने ऐसे रैप किए ना एक्टिंग,
क्या बात है, ये लो ये लो तुम्हारा 1000 रुपए और मेरे 50 रुपए। हाँ थैंक यू, अगर फिर कभी वैसा कोई काम हो ना तो जरूर बताना। ओ रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। ओके मैं चलता हूँ। थोड़े से शरारती, अरे वाह आपी, क्या मस्त आइडिया लगाए, आज तो पेट भर के खाना खाएंगे तीनों। चलो खाने चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे वाह आज तो YouTube के साथ साथ प्रमोशन की भी, अरे एक्टिंग की, आज पता चला मैं तो एक्टर बन गया। ओ भिखारी कहाँ गए तुम्हारे बच्चे? भिखारी किसको बोला, यूट्यूबर हूँ यूट्यूबर, मैं कोई भिखारी भिखुरी नहीं, वो तो मैं उन बच्चों के साथ एक्टिंग कर रहा था, उन्होंने मुझसे कहा था हम आपको 50 रुपए देंगे एक जालिम करेक्टर करना है, तो मैंने वो करेक्ट किया, मैं दांत तोड़ दूंगा तुम तीनों के अगर तुम लोगों ने मेरे पे भिखारी भिखुरी का इल्जाम लगाया। मैं यूट्यूबर हूँ यूट्यूबर, मूसा तनवीर का बाप हूँ, कोई भिखारी नहीं हूँ। हाँ हाँ करो, चलो हटो यहाँ से। साथ, वो तो हम चूना लगा गए। कर ना पाए कोई वो कर चचा, हमसे तो जल्दी से 3 पॉपकॉर्न और 3 कोल्ड ड्रिंक दो। चलो पैसे 500 रुपया लगेगा भाई, दो और दो भाई। Thank you, Follow करती है हमको ये दुनिया सारी, और लाखों फैंस अपने, ये जीत हमारी।